हे क्यूटी बॉयज, वेलकम बैक। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों को कोई 10 DIYs जिससे कि आप लोग बार्बी क्राफ्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट DIY मैं बार्बी टियारा बना रही हूँ। एंड ये मैंने बहुत पहले देखा था जब मैं बहुत छोटी सी थी। एंड मेरा ये बहुत मन था कि मैं इस टियारा को रिक्रिएट करूँ, तो आज मैं इसे रिक्रिएट कर रही हूँ। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और फिर सेकंड DIY में मैंने यहाँ पे मिरर बनाया है कार्डबोर्ड की हेल्प से। और इसे बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज इसमें एक एक डिटेल ऐड करनी थी। फिर यहाँ पे मोल्डेड क्ले से मैंने लिपिन आर्ट बनाई है। और लिपिन आर्ट बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर वाइट कलर से कोट करा है। देन उसके बाद बहुत सारे मैंने पिंक कलर को यूज़ करके इसे कलर कर दिया है। कलर करने के बाद मैंने यहाँ पे वार्निश का एक कोट अप्लाई करा था जिससे कि ये जैसा बना है वैसा ही रहे। देन मैंने यहाँ पे थर्ड DIY में बनाया है पेंसिल बुकमार्क बार्बी का, जिससे आप लोग अपनी बार्बी स्टेशनरी में ऐड कर सकते हो। एंड बार्बी लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, आई होप सो उनको पसंद आएगी ये वीडियो। फोर्थ DIY में मैंने बनाई है यहाँ पे बार्बी की चेन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ग्लिटर शीट। आप लोग पिंक भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्लैक ग्लिटर शीट को यूज़ करके बनाया है। देन फ्रेंड्स मैंने फिफ्थ DIY में बनाया है ये बार्बी डायरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है इसका, सो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। एंड आई होप सो आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। देन यहाँ पे मैंने 6 DIY में बनाया है बार्बी शॉपिंग बैग। एंड 7 DIY में मैंने बनाया है यहाँ पे बार्बी ब्रोच, जो कि काफ़ी इजी है। और बट मुझे इसे बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इजी प्रोसेस से बना लोगे। एंड 8 DIY में मैंने बनाए हैं यहाँ पे बार्बी DIY स्टिकर्स, जिसका प्रोसेस मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ स्टिकर्स पे, तो मुझे मालूम है कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, तो आप लोगों को ये प्रोसेस मालूम होगा। देन इसके बाद 9 DIY में मैंने बनाया है यहाँ पे बार्बी ब्लाइंड बैग। एंड ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप लोग बना लोगे इससे, इतना तो यकीन है मुझ पर ना आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने बार्बी ब्लाइंड बैग के अंदर खूब सारे स्टिकर्स ऐड करे हैं। स्टिकर्स ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे बार्बी का लोगो स्टिक करा है। एंड ये रेडी हो गया है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, तो आप लोग इसे किसी भी बार्बी लवर को या आप लोगों के कोई ऐसे फ्रेंड या कज़िन को गिफ्ट कर सकते हो जिसको ये बार्बी बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। मुझे मालूम है वो ज़रूर इसे पसंद करेगा। एंड 10th DIY में मैंने बार्बी ब्लाइंड बैग को अनबॉक्स करा है। अनबॉक्स करने के बाद उसमें से बहुत सारे स्टिकर्स निकले हैं, जैसे कि हील्स, लिपस्टिक्स, मिरर एंड डायमंड्स एंड ऑल दैट स्टफ दैट बार्बी यूज्ड। और फिर यहाँ पे आप लोग बताओ कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट है कमेंट बॉक्स में। मेरा तो ये क्राउन है, ये मेरा फेवरेट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी के लिए बाय बाय।